गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। देखो बच्चों, पिछली क्लास में आपका द्विव ध्रुव आघूर्ण या आबद्ध ध्रुवणता चल रहा था, जिसके आपके 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए थे। यानी द्विव ध्रुव आघूर्ण का परिचय मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया था। अब देखो, द्विव ध्रुव आघूर्ण या आबद्ध ध्रुवणता में ही आपका पॉइंट है ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु देखो क्या होते हैं, ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुव आघूर्ण जीरो होता है। पहले अध्रुवीय अणु पढ़ेंगे अपन, अध्रुवीय अणु, फिर ध्रुवीय अणु पढ़ेंगे। अध्रुवीय अणु ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुव आघूर्ण जीरो होता है, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। द्विव ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो, क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु। तो ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुव आघूर्ण जीरो होता है उसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय अणु कहते हैं। ओके बच्चों, अध्रुवीय अणु वो होते हैं जैसे CO2, BF3, BCl3, CH4, CCl4। ये कैसे अणु होते हैं, अध्रुवीय। इनका द्विव ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो। अब बताऊँ जीरो क्यों होता है, यही अध्रुवीय अणु क्यों होते हैं, सम्मित संरचना के कारण। सम्मित संरचना का मतलब है जिनकी संरचना रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय और चतुष्फलकीय होती है, उनका द्विव ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। ओके बच्चों, तो ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुव आघूर्ण जीरो होता है क्या कहलाता है, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो अध्रुवीय अणु ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुव आघूर्ण द्विव ध्रुव आघूर्ण को किसे दर्शाते हैं, म्यू से। द्विव ध्रुव आघूर्ण शून्य, जीरो होता है अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुव आघूर्ण जीरो होता है क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु। CO2, BF3, BCl3, CH4, CCl4, अध्रुवीय अणु है। इनका द्विव ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है सममित संरचना के कारण। सममित संरचना रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय
वह चतुष फलकीय होती है। चतुष फलकीय होती है। ओके बच्चों, ये अणु अधूर्वीय अणु है। इनका द्विध्रुव ध्रुवा आघूर्ण शून्य होता है सममित संरचना के कारण। सममित संरचना रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय व कैसी होती है? चतुष फलकीय। ओके बच्चों, अब देखो पहला जैसे एग्जाम्पल अपन करेंगे CO2। सबसे पहले इसको दर्शाएंगे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मैंने आपको विद्युत ऋणता लिखाई थी देखो, और विद्युत ऋणता मैंने लिखाई थी आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। लिथियम की विद्युत ऋणता 1.0, इसकी 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, इसकी 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 और 3.0। ऐसे मैंने आपको विद्युत ऋणता लिखाई थी आवर्त सारणी वाले पाठ में। विद्युत ऋणता के टॉपिक में मैंने ये विद्युत ऋणता लिखाई थी। अभी अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को छोटे तीर से दर्शाते हैं, जिसकी पूंछ पर धनात्मक और शीर्ष पर ऋणात्मक। पूंछ किसकी तरफ करोगे? जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी। शीर्ष किसकी तरफ करोगे? जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी। तो CO2 में द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाओ। बोलो कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी है? 2.5। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी है? 3.5। तो बताओ ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? ऑक्सीजन की। तो शीर्ष भाग किसकी तरफ कर दोगे? ऑक्सीजन की तरफ। और पूंछ किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, शीर्ष भाग ऑक्सीजन की तरफ और पूंछ किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। ये तो द्विध्रुव आघूर्ण का प्रदर्शन हो गया। इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि इनकी संरचना कैसी है? रेखीय। संरचना कैसी है? रेखीय। ओके बच्चों, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है BF3 बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? 0। संरचना कैसी है? त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय। द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाओ। बोरोन की विद्युत ऋणता 2.0 और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4.0। बताओ सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। तो शीर्ष किसकी तरफ करोगे? फ्लोरीन की तरफ। पूंछ बोरोन की तरफ। शीर्ष फ्लोरीन की तरफ, पूंछ बोरोन की तरफ। शीर्ष फ्लोरीन की तरफ और पूंछ बोरोन की तरफ। तभी मैंने छोटे तीर दर्शाते समय तुम्हें HF का एग्जाम्पल दिया था। कम विद्युत ऋणी तत्व और अधिक, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी तरफ पूंछ, जिसकी अधिक उसकी तरफ शीर्ष। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? 0। क्यों है? त्रिकोणीय समतलीय संरचना के कारण। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल, जैसे आप CH4 ले रहे हो, CH4 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 2.1। तो सबसे पहले विद्युत दर्शाओ। 2.1 और 2.5 किसकी ज़्यादा हुई? कार्बन की। तो शीर्ष तो किसकी तरफ कर दोगे? कार्बन की तरफ। और पूंछ किसकी तरफ कर दोगे? हाइड्रोजन की तरफ। शीर्ष किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। और पूंछ हाइड्रोजन की तरफ।
द्विव ध्रुवा आघूर्ण क्या? जीरो। और इसकी संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय। संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। ओके बच्चों, तो ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुवा आघूर्ण शून्य होता है अध्रुवीय अणु कहलाते हैं, जैसे CO2, BF3, BCl3, CH4, CCl4 अध्रुवीय अणु है। इनका द्विव ध्रुवा आघूर्ण शून्य होता है सममित संरचना के कारण। सममित संरचना रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय और चतुष्फलकीय होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने CO2 द्विव ध्रुवा आघूर्ण भी दर्शा दिया है, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है उसकी तरफ सिस कर दो, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उसकी तरफ क्या कर दोगे, पूछ। लिख भी दिया है द्विव ध्रुवा आघूर्ण जीरो, कारण भी लिख दिया है रेखीय संरचना के कारण। ओके बच्चों, BF3 में फ्लोरीन की ज़्यादा है, बोरोन की 2.0 है और CH4 में कार्बन की ज़्यादा है 2.5, इसलिए सिरिस कर दिया। और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1, इसलिए इसकी तरफ क्या कर दिया। ओके बच्चों, ये तो कौन से अणु हो गए? अध्रुवीय अणु। अब अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु देखो क्या होते हैं। ध्रुवीय अणु ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुवा आघूर्ण जीरो से अधिक होता है, जीरो नहीं होता, जीरो से अधिक होता है, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुवा आघूर्ण जीरो से अधिक होता है क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो देखो, ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुव आघूर्ण यानी म्यू जीरो से, या तुम सीधा ही लिख दो द्विव ध्रुव आघूर्ण शून्य से अधिक होता है ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ध्रुवीय अणु कहलाते हैं ऐसे अणु जिनका द्विव ध्रुवा आघूर्ण जीरो से अधिक होता है क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके पास है, H2O एक ध्रुवीय अणु है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी है? 3.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसकी तरफ सिरस कर दोगे, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी तरफ क्या कर दोगे, पूछ कर दोगे। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6। दो तो हाइड्रोजन ले लिए, एकांकी बच गए दो। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विव ध्रुवा आघूर्ण हमेशा ऊपर होता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विव ध्रुवा आघूर्ण क्या होता है? ऊपर। तो ये मैंने किसका लगाया है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का, चाहे 4, चाहे 2 युग्म हो, चाहे 1 हो, 1 द्विव ध्रुवा आघूर्ण से दर्शाओगे। इसका द्विव ध्रुवा आघूर्ण 1.84 DyV होता है या 1.87 DyV होता है। कई बुकों में 1.84 है, कई में 1.87 है, दोनों ही सही है। कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु। ओके बच्चों, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है SO2, S ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर की विद्युत ऋणता कितनी है? 2.5।
ऑक्सीजन की 3.5 किसकी ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन की। तो ये लो सिर्स, ये लो पूछ, ये लो सिर्स, ये लो पूछ। सल्फर के भाईतम कोष में 6 होते हैं, 2 और 2 4 तो ले लिए, 1 बच गया, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का हो गया। इसका द्विध्रुवा आघूर्ण 1.60 डिबाई होता है। ओके बच्चों, सल्फर की 2.5 है इसलिए कम है, पूछ 3.5 किसकी ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन की ज़्यादा हुई। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है मेथिल क्लोराइड CH3Cl, सी सी एल एच एच और H। कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। तो इसकी तरफ कर देती हूँ। अब देखो क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.0 है और कार्बन की कितनी है 2.5, तो किसकी ज़्यादा हुई, क्लोरीन की। इसे कर देती हूँ। इनका द्विध्रुवा आघूर्ण होता है 1.86 डिवाई। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल है NH3 और पांचवा एग्जाम्पल है NF3। इनके बारे में, दोनों के बारे में क्वेश्चन भी है। NH3 में देखो ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 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 और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 3.0 और हाइड्रोजन की 2.1। तो द्विध्रुवा आघूर्ण ऐसे प्रदर्शित करोगे। ओके बच्चों, इसका द्विध्रुवा आघूर्ण होता है 1.46 डिवाई। इसी प्रकार NF3 है, N F F और F और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का हो गया। फ्लोरीन की 4.0 और नाइट्रोजन की 3.0, तो बताओ किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। तो ये सिर्स और ये पूछ, ये सिर्स ये पूछ, ये सिर्स और ये पूछ। इसका द्विध्रुवा आघूर्ण है 0.23 डिवाई। ये है ध्रुवीय अणु। क्या है, ध्रुवीय अणु। ओके बच्चों, जिनका द्विध्रुवा आघूर्ण 0 से अधिक होता है, देखो सबका 0 से अधिक है ना, 0 किसी का ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं, यानी 0 नहीं होता है। H2O का 1.84 भी होता है, 1.87 भी होता है, 1.60, 1.86, 1.46, 0.23 डिवाई, 0 से अधिक हो गया। अब क्वेश्चन है NH3 का द्विध्रुवा आघूर्ण NF3 से अधिक होता है, NH3 का द्विध्रुवा आघूर्ण NF3 से अधिक होता है, क्यों। तो देखो आप बताओगे NH3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, अतः नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता किससे अधिक होती है, हाइड्रोजन से, अतः NH बंध का द्विध्रुवा आघूर्ण नाइट्रोजन परमाणु की तरफ होता है। देखो नाइट्रोजन परमाणु की तरफ ही मुंह है ना, NH बंध का द्विध्रुवा आघूर्ण नाइट्रोजन परमाणु की तरफ होता है तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुवा आघूर्ण तीनों NH बंध की तरह होता है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तीनों NH बंध की तरह होता है, इसलिए NH3 का द्विध्रुवा आघूर्ण क्या होता है, अधिक होता है। NF3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से कम होती है, या ऐसे बोल दो NF3 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, अतः NF बंध का द्विध्रुवा आघूर्ण फ्लोरीन परमाणु की तरफ होता है तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुवा आघूर्ण तीनों NF बंध के द्विध्रुवा आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए NF3 का द्विध्रुवा आघूर्ण क्या होता है, कम होता है। देखो ये तो ऊपर है और ये नीचे, विपरीत दिशा में हो गया ना,
और इसका जिस तरफ नाइट्रोजन की तरफ है वैसे एकांकी का, इसलिए NH3 का द्वि ध्रुव आघूर्ण किससे अधिक होता है? NF3 से। ओके बच्चों, तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है NH3 का द्वि ध्रुव आघूर्ण, द्वि ध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है क्यों? NH3 का द्वि ध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है क्यों? आंसर लिखोगे NH3 का द्वि ध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है जबकि दोनों नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। NH3 का द्वि ध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है जबकि दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। NH3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, अतः NH बंध का द्विध्रुव आघूर्ण नाइट्रोजन परमाणु की ओर होता है तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्वि ध्रुव आघूर्ण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्वि ध्रुव आघूर्ण तीनों NH बंध की तरह ही होता है, अतः NH3 का द्वि ध्रुव आघूर्ण अधिक होता है जबकि NF3 में, देखो नाइट्रोजन की 3.0 और फ्लोरीन की 4.0, तो किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हुई? फ्लोरीन की। NF3 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से
अधिक होती है, अतः NF बंध का द्विध्रुव आघूर्ण NF बंध का द्विध्रुव आघूर्ण फ्लोरीन परमाणु की तरफ होता है तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण तीनों NF बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है अतः NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, क्या होता है? कम। जैसे NH3 है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, पांच होते हैं, तीन हाइड्रोजन ले लिए, दो बच गए, ये द्विध्रुव आघूर्ण है नाइट्रोजन की। विद्युत ऋणता कितनी होती है? 3.0, हाइड्रोजन की 2.1, तो इस तरफ हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 1.46 डीबाई। NF3 है, ये एकांकी है, F है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है 4.0, और नाइट्रोजन की तो 3.0 ही है, ये एकांकी का है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है 0.23 डीबाई। बोलो कम है कि नहीं है? तो मैंने यही तो लिखा है, दोनों के पास एक एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, फिर भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण इससे अधिक है। NH3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए NH बंध का द्विध्रुव आघूर्ण नाइट्रोजन की ओर होता है, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण भी तीनों NH बंध की तरह होता है, ऊपर तो ये भी ऊपर, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ? अधिक। NF3 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, अतः NF बंध का द्विध्रुव आघूर्ण फ्लोरीन परमाणु की तरफ होता है, जबकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण तीनों NF बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, देखो ऊपर और नीचे, इसलिए क्या होता है? कम होता है। तो NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है, क्यों? NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है, जबकि दोनों नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। NH3 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, अतः NH बंध का द्विध्रुव आघूर्ण नाइट्रोजन परमाणु की ओर होता है, तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण तीनों NH बंध की तरह होता है, अतः NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। NF3 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, अतः NF बंध का द्विध्रुव आघूर्ण फ्लोरीन परमाणु की तरफ होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण तीनों NF बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है, अतः NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? कम। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा सिर्फ कम उसकी तरफ पूछ। देखो एकांकी का हमेशा कहाँ होता है? ऊपर। ये NF3 में देखो फ्लोरीन की तरफ है, तो ऊपर और नीचे विपरीत हो गया, ये भी ऊपर तो समान हो गया। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।